करना है। हेलो, सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? जो मुझे कहेंगे मैं करा दूंगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वालेकुम सलाम। मैं फिर वो पूरा टॉपिक ही बताना पड़ेगा, तुम सेट तो नहीं पूरा। सिंगल पेज में नहीं की हुई आप लोगों ने? बाद में बताता हूँ। पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप ही सिंगल पेज होती है। ये आप लोगों को लगता है कि मल्टी पेज बना रहे हैं, अगर आप उसको जब कंबाइन करते हैं ना, सैम्पल करते हैं, तो वो एक पेज ही होता है, इसलिए उसको सिंगल पेज कहते हैं। वो एक ही जगह पे सारी चीजें कंबाइन हो जाती हैं, सारे हम कंपोनेंट्स बनाते रहते हैं, उनको बाद में सैम्पल कर देते हैं। कंपोनेंट्स तो बनाने का मकसद ये होता है कि आप रीयूजेबिलिटी कर लें उसकी। कराना है मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि राउटिंग मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, राउटिंग में मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। अब उसके बाद फिर ऑप्शन आपके पास रिडक्स भी बचती है। अब रिडक्स में भी आगे दो ऑप्शन है। अच्छा, आपका कोर्स स्टार्ट किस डेट को हुआ था? सर जी स्टार्ट कब हुआ था? मार्च मार्च 27 मार्च से मुराद है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, भी गया सितंबर है। 19 सितंबर 27 को खत्म हो जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च को तो सितंबर को खत्म। और आज 28 हो गया, नहीं आज क्या तारीख है? 28, यानी एक महीना रह गया। एक महीने में मतलब 12 क्लासें, 12 क्लासों से मुराद अगर हम पहले फोल्डर स्ट्रक्चर के बगैर करें तब हमें क्या होगा? चलो रिडक्स को ना बैकएंड के साथ ही करवाएंगे, क्योंकि अगर रिडक्स पे लग गया तो ये पूरा हफ्ता गया,
एक दिन रिडक्स की सिर्फ डेफिनेशन पे लगता है, अगर सही रिडक्स को समझना है। यानी सिर्फ 2 घंटे में आपको लेबोरेट करूंगा रिडक्स होता है, फिर उसकी समझ आपको आएगी। उससे बेहतर है फिर हम बैक एंड स्टार्ट कर लेते हैं आज, टेंशन खत्म करें, नहीं फिर हमने इतनी मेहनत से रिएक्ट ऐप क्यों बनाई है, इसको बंद कर दें। वो पहले ही बेचारों के पास सी ड्राइव खोल हुई है, हमने और 300 MB का एक प्रोजेक्ट बना दिया। वैसे सी ड्राइव में क्या रखा हुआ इतना, इनकी इतनी स्पेस होती है, 500 GB फुल है, अंदाजा कर लेना। ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे ज्यादा हैवी है, केबी केबी में चलो ये भी प्रोजेक्ट ही है सिंपल, ऑटो डेस्क ऊपर 4 GB का ये है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं जल्दी आ रहे हैं। लो 64 GB माई डॉक्यूमेंट में डाटा पड़ा हुआ, अंदाजा कर 64 GB। तो 3 GB की कह रहा है, तो कर दे रहे हैं यार 2 बार 22 के लेक्चर पढ़ेंगे निकाल के बंदे, वो तो डिलीट कर दो ना। बस अच्छा जी स्टार्ट करते हैं, बैकएंड ही फिर स्टार्ट करते हैं ताकि अपना टाइम बचाएं। देखिए मैंने एक मर्न का फोल्डर बना दिया है, यहाँ पे आप भी देख लेते हैं कौन सी क्लास नंबर है आज 12। इधर आ जाएं 7 8, ओके 8 क्लास नंबर है, यहाँ पे कर लेते हैं day 8। चलो उर्दू शुरू हो गई है Day 8। तो मैं उस दिन कल बल्कि पढ़ा के आया उधर इकबाल टाउन, वो कहते हैं पूरी की पूरी वेबसाइट हमें उर्दू में बनानी सिखाई। 3 दिन हो गया मैं आहिस्ता आहिस्ता उर्दू टाइप कर करके बड़ी मुश्किल से बनाई है, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। बस वो किसी को आ गया होना है। अब स्टूडेंट का पता है अक्सर, ये आपने भी गौर किया होगा, हर स्टूडेंट के अपने मसले होते हैं। मिसाल मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, हो सकता है उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया हो यू स्टेट का, मैं अगले दिन आगे फौरन ही, मुझे पूरी क्लास की कोई टेंशन नहीं होगी, मैं आगे फौरन कहूँगा कि सर मुझे यू स्टेट पढ़ा दें। यानी बेशक हम बैकएंड कर रहे हैं,
वो स्टूडेंट कहता है बस क्योंकि मुझसे ये सवाल पूछा है मेरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए बाकी क्लास जाए बाढ़ में। ये प्रॉब्लम होते रहते हैं। अगर आप गए हैं आपके साथ भी ऐसे हादसे होंगे। अब वो पूरी क्लास की जो है ना अटेंशन आगे पीछे यार ये कितने स्लो कंप्यूटर है कितनी जल्दी रैम है इसकी। अब फिर 16 GB रैम 16 GB रैम का ये हाल सही है रैम मेरे हिसाब से। चलें जी। अच्छा जी ये देखें कि ब्लैंक फोल्डर बना दिया है। अब बैकएंड में तीन चीजें आपकी पैरेलली चलेंगी। तीनों चीजें मैं आपको फ्लो आपको आइडिया होगा वैसे वेबसाइट का फ्लो काम कैसे करता है। आप लिखें हाउ मर्न वेबसाइट वर्क्स। चलें इधर आ जाएं यहाँ पे लिखें तो वो आपको खुद बखुद ही बता देगा मर्न वेबसाइट काम कैसे करती है। अब देखें ये एक सिंपल सी पिक्चर आपके सामने आ रही है। आपने पहले वाला ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो पढ़ लिया नहीं नजर आ रही इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा बल्कि डायरेक्टली कॉपी पेस्ट इसको कर लेते टेंशन खत्म कर। इधर आ जाए ये इसको और बड़ा कर लेते हैं। No, no, no. एक तो लीगल करके लैंडस्केप कर देते हैं पहले No. ये पेज पे टेंशन कर। तो स्क्रीन बड़ी नजर आएगी तो आपको पता चलेगा ना वो क्या रहा है। अच्छा ऑलमोस्ट मर्न वेबसाइट का फ्लो इसी तरह ही रहेगा। ये पहले वाला पार्ट आपने कवर कर लिया ये रिएक्ट एचटीएमएल सीएसएस जावा यानी ये आपकी फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड से ऑब्वियसली आप कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे बेशक आप ई कॉमर्स पे हैं तो वहां पे ऐड टू कार्ट कर रहे हैं या अकाउंट बना रहे हैं या हो सकता है कोई ईआरपी सिस्टम वहां पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं या इस तरह की और की प्रॉपर्टी की वेबसाइट है वहां पे आप कुछ डिटेल देख रहे हैं वो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे रिएक्ट की बनी हुई वेबसाइट पे। और वो वेबसाइट खाली रिएक्ट पे नहीं बनी होगी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप प्लस रिएक्ट क्लाइंट साइड फ्रंट एंड ये वेबसाइट से आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वेबसाइट की जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले जाएगी एक्सप्रेस के पास। एक्सप्रेस एक मिडलवेयर मिडलवेयर गार्ड समझ लें ठीक है जो देखता है कि आप कौन सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या आप कोई चीज सर्च करना चाह रहे हैं क्या आप कोई डाटा ले रहे हैं कोई डाटा भेज रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को रीड करता है। और फिर अगर उसमें कोई ऑथेंटिकेशन इन्वॉल्व हो तो वो आपकी पावर चेक ऑथोराइजेशन चेक करता है कि आप ऑथोराइज हैं या नहीं ये सारे काम एक्सप्रेस करेगा। जो रिक्वेस्ट आप रिएक्ट से भेजेंगे या फ्रंट एंड से भेजेंगे इसको हम कहते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट आपकी जाएगी एक्सप्रेस के पास वो आपकी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा और वो भेज देगा नोड के पास। नोड एक लोकल सर्वर इन्वायरमेंट है जिसपे आप सर्वर बनाएंगे जैसे पीएचपी वगैरह में जैम्प होता है जावा स्प्रिंग बूट में टॉम कैट होता है ठीक है इसी तरह इनका भी नोड है जो सर्वर बनाने के काम आता है ताकि आपका जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है उसको आप रन कर सके। अब सर्वर की जरूरत क्यों पेश आती है क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में होस्टिंग तो है कोई नहीं हमने प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है वी नीड अ सर्वर टू रन सच कोड उसके लिए मैं सर्वर है एक्सप्रेस आपकी रिक्वेस्ट भेज देगा सर्वर के पास में वहां पे हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की होगी ऑब्वियसली सर्वर की सपोर्ट पे चलना है। आपकी जो रिक्वेस्ट है किस नेचर की है क्या आप डाटा सेव कर रहे हैं या निकाल रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या आप लॉगिन हो रहे हैं रजिस्टर हो रहे हैं वो रिक्वेस्ट एक्सप्रेस के थ्रू नोड के सर्वर के पास आएगी। और वो सर्वर अगर तो आप डाटा स्टोर कर रहे हैं तो डाटा बेस MongoDB बनी हुई है ग्रीन वो डाटा एक्सप्रेस से आके नोड के थ्रू MongoDB में चला जाएगा। अगर आप डाटा गेट कर रहे हैं तो फिर भी यही प्रोसेस होगा गेट की रिक्वेस्ट एक्सप्रेस के पास आएगी वो नोड को भेज देगा वहां पे हम अपने राउट्स और एपीआई लिखेंगे रेस्टफुल एपीआई जितनी भी किस्म की एपीआई है ज्यादातर रेस्टफुल एपीआई चलती हैं आजकल। एपीआई की मैंने आपको डेफिनेशन थोड़ी सी गाइड कर दी थी
अब उन्हीं एपीआईज को हम खुद बनाना सीखेंगे। अभी तक आपने फेक एपीआई के साथ काम किया है, अब हम रियल बनाएंगे। अगर डेटा गेट कर रहे हैं तो वो मोंगोडीबी में जाएगा, देखेगा कि क्या जो रिक्वेस्ट यूजर कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली डेटा आपके पास डेटाबेस में पड़ा है। अगर डेटा पड़ा है तो वो आपको सर्वर को दे देगा, सर्वर एक्सप्रेस के हवाले करेगा और वो आपको रिएक्ट की यूआई पे नजर आ जाएगा। ये इसका ओवरऑल फ्लो रहेगा। बाकी भी जितनी लैंग्वेजेस ये जितने स्टैक हैं, चाहे वो मेन है पीएचपी लारावेल है, जावा के साथ स्प्रिंग बूट है, पाइथन के साथ जेंगो है, उनका भी यही फ्लो रहता है। उनका भी कोई ना कोई फ्रंट एंड बना होता है, वो उनके मिडलवेयर या सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है और वो आगे जाके डेटाबेस में अगर डेटा भेजना है तो सेव कर दिया जाता है, अगर निकालना है तो वो फेच कर देता है। बाकी स्टैक में भी यही प्रोसेस रहता है। यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं। अभी रिएक्ट में फ्रंट एंड बनी है, हो सकता है वो पाइथन में बनी हो सकता है वो पीएचपी में बनी हो, और सर्वर आपके वो फ्रेमवर्क का आ जाते हैं लारावेल है और साथ जैम का लोकल सर्वर आ जाएगा, मोंगोडीबी की जगह माई एसक्यूएल आ जाएगा। ओवरऑल आपका हर टेक्नोलॉजी में यही फ्लो रहता है। सो अगर आपको एक फ्लो की समझ आ जाए तो बाकी फ्लो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये एक हल्का सा ओवरव्यू है, हम जब इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको बाकी चीजें ज्यादा अच्छी नजर आएंगी। लेकिन जी इसको इतना ही काफी है, इस पे बजाय इसके कि हम टाइम लगाएं हम प्रैक्टिकल भी काम करें। ये फ्लो हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपके रहे से डाउट्स भी कवर हो जाएंगे। देखें ले जी यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल ब्लैंक day 8 का फोल्डर बनाया है, इसको उसी तरह आपने CMD में ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास वही चीजें, नोड इंस्टॉल हो, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो और NPM इंस्टॉल हो, वो आप चेक कर लें। नोड हाइफन हाइफन वर्जन जाके चेक कर लें, ये मिल गया, और NPM हाइफन हाइफन वर्जन, चेक। ये दो चीजें चाहिए होती हैं जब आपने नोड के साथ काम करना। दोनों चीजें अवेलेबल हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। इसको CMD में VS कोड में ओपन कर लें। लें यहाँ पे आपके पास अभी के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक फोल्डर है आपका, देखें खाली है। देखें हमने कहीं ना कहीं से तो इब्तदा करनी है, जैसे रिएक्ट में आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं NPX क्रिएट रिएक्ट है। यहाँ पे जब आपने सर्वर को इनिशियलाइज करना है ना तो उसके लिए इसकी अपनी कमांड है, टर्मिनल में जाएं। दोनों ऑप्शन है, आप यहाँ पे टर्मिनल में चला लें या वो डॉस वाले कमांड प्रॉम्प्ट में चला लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आप इस पाथ पे मौजूद हो, चाहे CMD में हो चाहे आप VS कोड में, इस पाथ पे मौजूद होने चाहिए जिस फोल्डर के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बना रहे हैं तो इसके अंदर आप अवेलेबल हो। यहाँ पे पहली कमांड है जी उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए। दो तरीके जो डेवलपर है मार्केट में आपको नजर आएंगे, मैं दोनों बता देता हूँ। एक NPM init लिखते हैं, वो init नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइज कर दें, उसको वो इनिशियलाइज कर देगा प्रोजेक्ट को। इसमें थोड़ा सा फर्क ये रहेगा आपका कि आपसे अगर आप NPM init करते हैं तो वो कुछ बेसिक सेटिंग पूछेगा आपसे कि पैकेज का क्या नाम रखना है, अत्र कौन सा है, कौन सी टेक्नोलॉजी, रूट फाइल क्या रखनी है आपने। ये देखें जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो आपको बेसिक सेटिंग पूछेगा, देखें पैकेज का नाम क्या रखना है। फिलहाल मैं अभी इसको नॉर्मली जाने देता हूँ, वर्जन कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन है जनाब अमेजोन, चले एंट्री पॉइंट इंडेक्स ही रहने दें, टेस्ट कमांड कुछ नहीं है, गिट रेपो कोई नहीं है, अभी मेरे पास कीवर्ड है, चले इसको भी रहने दें, ऑथर इमरान, चले लाइसेंस कोई भी नहीं है, ओके ओके। और यहाँ पे देखें पैकेट और जेसन की फाइल बन गई है, ये देखिए बेसिक, ये वही सेटिंग है जो अभी हमने की है, कुछ तो चीजें हमने चेंज की थी, ये अमेजोन बदला था और आथर बदला था। पैकेट और जेसन की जरूरत आपको इसलिए पड़ती क्योंकि जब भी आपका फ्रंट एंड या बैक एंड का प्रोजेक्ट है वो पैकेट और जेसन में सबसे पहले एंट्री मारता है, वहां पे ढूंढता है कि आपकी मेन फाइल कौन सी है। तो आवाज बहुत ज्यादा नहीं हुई, अच्छा खैर ये बेसिक सेटिंग, क्योंकि जब आपने कल को लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है तो आपको पता है आपकी जो फाइल है वो दो जगह पे जाती है, एक तो पैकेज डॉट जेसन में उसका नाम आ जाता है और दूसरा नोड मॉड्यूल के अंदर उसका फोल्डर बन जाता है। एक फाइल तो हमें मिल गई, अभी नोड मॉड्यूल नहीं है, उसमें जाने से पहले इसका दूसरा तरीका देख लें। इसको मैं अभी के लिए फिलहाल CLS करके क्लीन कर देता हूँ।
ये डिलीट कर देते हैं ये लोग, फिर खाली हो गया। दूसरा तरीका वो यही होता है npm init और यहाँ पे हाइफन वाई लगा देते हैं। अब वो आपसे बार बार बेसिक सेटिंग नहीं पूछेगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे वो पैकेट डॉट जेएसएन की फाइल बना देगा, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो आप खुद कर देगा। ये देखिए ये, अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कहेंगे जनाब ये फाइल बन गई है तो अब यहाँ पे जाके आप चेंजेस नहीं कर सकते, यहाँ पे कर लें चेंज, इधर भी आपके पास सारी ऑप्शन है। हमने वर्जन नेम रखा था, ठीक है यही रहने दें, चलो ये देखें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर भी कर सकते हैं। ज्यादातर दोनों ऑप्शन ही आपको नेट पे मिलेंगे, इसके अलावा फिलहाल अभी तक मैंने कोई तीसरी ऑप्शन नहीं देखी। npm init से भी लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं और npm init hyphen y से भी बनाते हैं। ले जी आपकी फाइल बन गई, इसको बंद कर दें। अभी एक चीज आपको और चाहिए, नोड मॉड्यूल, ताकि हम काम स्टार्ट कर सकें। अब उसको नोड मॉड्यूल को लेने के लिए आपको जो नोड मॉड्यूल के पैकेज हैं वो एक्सप्रेस सर्वर में मिलते हैं, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में मिलते हैं। उसके लिए इसकी कमांड होती है, आपको npm i लिख लें या इंस्टॉल लिख लें, दोनों का मतलब सेम ही है। एक्सप्रेस npm install express, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक पैकेज डॉट जेसन का एक फोल्डर मिल जाएगा, और नोड मॉड्यूल का सॉरी ये देखो एक्सप्रेस क्यों लिखा है इसके साथ, क्योंकि सारी की सारी लाइब्रेरीज या मेथड जो है वो इसी के अंदर पड़े हुए। हम बैकएंड कर रहे हैं, जितने भी अब सर्वर पे आपने जितना काम करना है ना या API बनानी है, वो सारे के सारे मेथड इसमें पड़े हुए हैं एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क के अंदर। हमारा नोड मॉड्यूल डिलीट करके npm फाइल फिल्ड नोड मॉड्यूल, उसमें उसकी लाइब्रेरी आएंगी, वो लहदा चीज है। अभी ये जर्नल लाइब्रेरी है, अब जब आप एक्सप्रेस की कमांड चलाएंगे इसका तरीकाकार अलग है। और ये वैसे गलती करें भी ना कि आप पैकेट डॉट जेएसएन या npm को डिलीट करके आप कहीं, चलो नोड मॉड्यूल की हद तक को आप कह सकते हैं, अगर नोड मॉड्यूल आपका डिलीट हो जाए तो वो आ जाएगा। पैकेट डॉट जेएसएन या पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेएसएन को डिलीट ना करें, वो तो आपका आ जाएगा, क्योंकि आपकी लाइब्रेरीज के जो नाम है वो जितनी भी आप इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ये अब आप एक्सप्रेस का या नोड का जितना सर्वर करेंगे वो यहाँ पे होगा, ये अलहदा सिस्टम है, इसका फ्रंट एंड वाले से कोई लेना देना नहीं, इसका अपना अलहदा सेटअप। हाँ तरीकाकार वही रहेगा, अब जब आप नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे वो दो जगह पे जाएगी, पैकेट डॉट जेसन में भी नाम उसका जाएगा और नोड मॉड्यूल के अंदर उसका फोल्डर भी जाएगा, लेकिन इसका सेटअप उससे डिफरेंट होगा। अच्छा जी, दो चीज़ें मिल गई हमें, अब हमें काम करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें मिल गई हैं। अब इसको जाकर बेशक यहाँ पे ले आए, इसको बंद कर दें, इतना सेटअप काफ़ी है। मतलब ये अगर दो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसके बाद अब हमें कोड लिखने के लिए एक फाइल चाहिए, उसमें भी दो तीन तरह की आपको फाइल्स मिलेगी। कोई app.js बना लेते हैं एंट्री फाइल, कोई index.js बना लेते हैं, कुछ डेवलपर हैं वो server.js बना लेते हैं। एक ही बनानी है, तीन नहीं बनानी। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आपको हो सकता है इन तीनों में से कोई एक नजर आए, इससे अभी तक मुझे कोई नई फाइल नहीं नजर आई जो इन तीनों से हटके हो। ऐप इसलिए वो रखते हैं क्योंकि आप एक ऐप बना रहे हैं, इससे एंट्री पॉइंट है, और इंडेक्स तो वो इंडेक्स के नाम से ही है, आप HTML में भी जब रूट फाइल बनाते हैं वो इंडेक्स ही होती है, तो इसलिए इंडेक्स रखते हैं। अब वो कई डेवलपर सर्वर इसलिए रखते हैं कि हम चूँकि बैकएंड पे काम कर रहे हैं, हमें फोल्डर पढ़ के पता चल जाए कि जनाब हम सर्वर साइड पे काम कर रहे हैं। फाइल के नाम रखने से आपकी कोडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप चाहे abc.js भी रख लें तो आपका कोड फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये कन्वेंशन है, इन तीनों नामों में से एक नाम रखा जाता है। मैं ज्यादातर प्रेफर index.js करता हूँ या सर्वर पे, क्योंकि ऐप में अगर आप ऐप ही लिखेंगे तो वो ऐप जरा रिएक्ट वाली लुक नजर आएगी, वो हमें ऐसे लगेगा जैसे हम रिएक्ट में घूम रहे हैं। लें जी अभी के लिए आज इंडेक्स रख लेते हैं, एक आध दिन हम सर्वर भी यूज कर लेंगे। अच्छा जी ये आ गई, अब जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया है ना एक्सप्रेस को, मैंने आपको अभी बताया सारे के सारे मेथड उसके अंदर पड़े हुए हैं,
उसको पहले आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आप रिएक्ट में, मैंने अगर एक्सियस इंस्टॉल किया है तो उसको यूज आप कैसे करते हैं, इम्पोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस, यही तरीका है ना। इसी तरह अगर आपने एक्सप्रेस किया तो इसमें इसको निकालने के दो तरीके हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, या ये ES6 का तरीका। और जो आपको कोड नेट पे मिलेगा या दाएं बाएं से मिलेगा वो इस तरह हुआ, किसी वेरिएबल में इसको मैं स्टोर करता हूँ, ES5 का मेथड है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, इसको मैं करता हूँ रिक्वायर इसको एक्सप्रेस, ये दोनों तरीके यूज होते हैं। ये अभी तक डेवलपर की पहुंच से दूर है, ये वो डेवलपर यूज करते हैं जिनका तकरीबन एक्सपीरियंस मोर देन 3 ईयर हो चुका हो, क्योंकि ये मॉडर्न चीजों को वही अडॉप्ट करते हैं। वन तो है, क्लास का नाम क्या, क्लास कौन सी है, क्लास वन, वन तो है ठीक है, आप कौन सी दुनिया में है, हो सकता है कोई और कोर्स पढ़ रहा हो। अच्छा वो मेरे ख्याल वो शायद हमारा रूम चेंज किया है, पहले किसी और का होगा इधर, तो अब रन टाइम पे मसला आना ही है। अच्छा ये वाला तरीका आपको शायद नजर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जो मेच्योर कोडर है उनके तरीका आपको ये वाला कोड मिलेगा, ये ES5 का तरीका है। बाय डिफॉल्ट आप नेट पे जितना भी कोड देखेंगे ना, गिटहब पे देखें, यूट्यूब पे देखें, वो आपको यही वाला तरीका नजर आएगा, क्योंकि डेवलपर अभी तक कोशिश ही नहीं कर रहे इससे बाहर निकलने की, जबकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये ES5 का तरीका है। मैं दोनों तरीके ये आपको करके दिखा दूंगा, जो आपका दिल करे अडॉप्ट कर लें। हाँ ES6 का अगर तरीका आपने करना है तो इसमें हल्की सी आपको चेंज करनी पड़ती है, ये तरीका बाय डिफॉल्ट ही आपका कन्फिगर होता है। अगर आप यहाँ पे जाके लिखें, ये इधर आ गया एक्सप्रेस, वैसे तो मैं डॉक्यूमेंटेशन को कभी पढ़ते ही नहीं, इसलिए मुझे को इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं है। इंस्टॉलिंग हेलो वर्ल्ड क्या है, ये इसलिए भी आपको बताया जा रहा है कि अगर कल को आपको यहाँ पे इम्पोर्ट नजर आए तो घबरा ना जाए, तो ये पता नहीं किस दुनिया में आ गए, सर ने तो हमें रिक्वायर पढ़ाया है, और अमूमन मेरे जितने भी कोलीग्स हैं वो ये वाला तरीका पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। मैं दोनों इसलिए करवाता हूँ क्योंकि पता नहीं आप किस एनवायरनमेंट में जाएं, किस सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं, वहाँ पे अच्छे डेवलपर भी हो सकते हैं, पुराने डेवलपर भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों फ्लेवर्स का, ये तरीका बाय डिफॉल्ट होता है, इसके लिए आपको कोई एडिशनल सेटिंग नहीं करनी पड़ती, इसका ये फायदा है। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है, इस लाइन का मतलब यही है, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, लें जी इसको मैं किसी वेरिएबल में अनपैक कर लेता हूँ, एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी जितनी भी है मैं किसी वेरिएबल में अनपैक कर लेता हूँ, ये भी कन्वेंशन है। वो ऐप लिखते हैं, ऐप से मुराद ये नहीं है कि आपने ऐप ही लिखना है तो कोड चलेगा, ये कन्वेंशन है, प्रोग्रामर कहते हैं चूंकि हम बैकएंड की एक ऐप बना रहे हैं तो पूरे का पूरे जो एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है उसको मैं एक वेरिएबल में अनपैक कर रहा हूँ। अब जितने फंक्शन मैंने आपको कहा था इसके अंदर अवेलेबल हैं वो सारे ऐप वर्ल्ड के अंदर आ गए। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, आप पहली तो बात है कि वो चार ऑपरेशन कर सकते हैं, क्रड उसमें देखें ऐप डॉट गेट, ये बाय डिफॉल्ट मेथड मिल गया, ऐप डॉट पोस्ट ये देख ये मेथड मिल गया, ऐप डॉट डिलीट कर लेंगे, देखिए ये बाय डिफॉल्ट ही आपको उसके अंदर, ये आप देखें ना एक्सप्रेस का क्या फायदा हुआ, ये आपको फ्रंट एंड में नहीं मिलेगी चीज, ये आपको एक्सेस में मिलेगी, क्योंकि हमने उधर से भी तो डाटा भेजना है ना, क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो आएगा बैकएंड पे, बैकएंड पे एपीआई लिखेंगे ताकि वो डेटाबेस में जाए, सो हमें एट द सेम टाइम फ्रंट एंड पे भी एपीआई लिखनी पड़ेगी, बैकएंड पे भी लिखनी पड़ेगी, फ्रंट एंड की आप कर चुके हैं, अब बैकएंड की बारी है। और चौथा अपडेट के लिए वो यूज करते हैं ऐप डॉट पुट, ये चारों मेथड हो गए आपके, इसको वो कह देते हैं जी रीड, इसको कह देते हैं क्रिएट, इसको डिलीट कहते हैं, और इसको कह देते हैं अपडेट।
बस वो जरा मोंगो टीवी और उनके अपने नाम है ना, हैं चारों वही हैं, ये देखें चारों की चारों पूरे हो गए, क्रेडिट पूरा हो गया आपका, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, बस नाम हल्का फुल्का डिफरेंस है। अच्छा जी, ये आपको मिल रहे हैं ऐप के अंदर चारों की चारों मेथड। और इसके अलावा ऐप के अंदर आपको याद होगा जब मैंने एपीआई पढ़ाई थी आपको, हमारी वो वाली कुछ एपीआई थी इस तरह की, HTTP फेक एपीआई स्टोर डॉट कॉम स्लैश प्रोडक्ट, कुछ इस तरह का था आपका फ्रंट एंड, वो URL। मैंने आपको कहा था कि जस्ट हम बैकएंड पे जाके अपना एक URL बना लेंगे लोकल होस्ट, और यहाँ पे अब पोर्ट हम खुद देंगे, 6,000 रख लें, 5,000 रख लें, 7,000 दो रख लें, कोई टेंशन नहीं, आपने अपनी मर्जी से रखनी है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी कि 3,000 नहीं रखनी, उसकी वजह है कि वो रिएक्ट आपका क्लाइंट साइड पे चलता है। हाँ, अगर आपने जिद कर लिया तो फिर आपको क्लाइंट साइड का जो API वो बदलना पड़ेगा, वो प्रॉक्सी में जाके उसकी सेटिंग हो जाती है। लेकिन आप ऐसा क्यों काम करना चाह रहे हैं, आपके पास जबकि जो मर्जी API दे दें, मैंने 4,000 दे दिया लेंगी .com/product, ये भी बात बन गया। अब ये बात तो मैं चलाऊंगा कैसे, मेरे सर्वर को कैसे पता चलेगा, इसको भी मुझे चलाने के लिए इस IP पे सर्वर को रन करने के लिए ऐप के अंदर ही मुझे मेथड मिलता है app.listen। मैं किस IP एड्रेस पे उसको लिसन करना चाहता हूँ, 4000 पे, ये एक कॉल बैक या एरो फंक्शन इसको कह सकते हैं लेगा, यहाँ पे आप अपना को मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं सर्वर इज रनिंग या सर्वर स्टार्टेड ऑन 4000। अभी फिलहाल हम हार्ड कोडेड ही दे देते हैं, बस सर्वर आपका बन गया, इतना ही काम, इसको उठा के आप कट करके नीचे फेंक दें, सर्वर आपका बन गया। लेकिन आप इसको चेक करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे रन करते थे आप, नोड और उस फाइल का नाम विद एक्सटेंशन याद है ना, तो ये चौंके सर्वर, इसलिए आपकी ये कमांड उधर काम करती थी। इधर आए, ये देखें सर्वर स्टार्टेड ऑन बोर्ड, सर्वर बन गए, इतना सिंपल काम है ये, सर्वर 3 लाइनों से एटलीस्ट सर्वर बन गया आपका। हाँ, अब इसमें छोटे छोटे जो मसले मसाइल है हम देख सकते हैं, मसले मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर गेट मेथड लगाता हूँ, ये आपसे दो चीजें लेता है, आप किस पाथ पे उसको गेट करना चाहते हैं, मैं अभी होम कर रहा हूँ, या मैं कहता हूँ यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट, ऐसा करते हैं 2-3 बना लेते हैं, यहाँ पे यूजर कर लेते हैं। और दूसरा, ये आपसे एक कंट्रोलर इनबिल्ट फंक्शन लेता है, एक रिक्वेस्ट लेगा आपसे और एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ये शॉर्ट मैंने लिखे हैं, आप इसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पूरा भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, दो आर्गुमेंट्स लेता है वो, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स। अब क्यों रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, क्योंकि आपने फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट भेजनी है ना वो रिक्वेस्ट में आएगी, और बदले में वो देखेगा कि अगर तो डाटा पड़ा है वो रिस्पॉन्स में डाटा दे देगा, अगर नहीं पड़ा कोई एरर देनी है वो भी रिस्पॉन्स में रिटर्न करेगा। तो आप एक तो क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके लिए ये वेरिएबल है, और दूसरा जो आपने रिस्पॉन्स जनरेट करना है ये उसके लिए दूसरा वेरिएबल, ये एक एरो फंक्शन है, इसको भी यहाँ पे कर दो, और मैं कंसोल डॉट लॉग पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे अगेन मैं करता हूँ इसके अंदर भी दे देता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर यूजर पेज। चलो अब इन रिक्वेस्ट को हिट कैसे करेंगे, अब प्रॉब्लम तो ये है ना, देखें आपका IP एड्रेस क्या बन जाएगा, आपका लोकल पाथ क्या बना, HTTP लोकल होस्ट 4000, और एक तो ये होम के लिए हो गया और ये यूजर के लिए हो गया, कितना आसान है, राउट बन गया, ये देखें ये वाला यूजर के लिए आ गया और ये होम के लिए आ गया, पहले जो इससे पहले वाला एड्रेस है वो यही रहेगा जो आपने API खुद डिफाइन कर दिया है, ये आना ही आना है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उस सर्वर को आज खुद पता है, वो जाके यहाँ से रीड करेगा और आपकी ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट कर देगा, ये राउट उसके बाद वो ऐड कर देगा। अब इनको हिट कैसे करें, अभी के लिए तो फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो
मैं इधर ही इसको हिट करता हूँ, लोकल होस्ट 4000 है। जब अगर मैं यहाँ पे हिट करूंगा तो इसका जो कंसोल है ना वो ये वाला होता है, ये वाला। इसको एक दफा किल करें कंट्रोल सी करके और दोबारा चला लें नोड इंडेक्स डॉट जी आर। अब मैं अगर इधर रिक्वेस्ट हिट करूंगा होम पे तो इसका कंसोल ये वाला होता है, ये देखें आ गया होम। अगर मैं अब यूजर वाली रिक्वेस्ट हिट करूंगी यहाँ पे जाके इधर आए स्लैश यूजर, ये देखें आ गया यूजर पेज। उधर भी करा देते कोई टेंशन नहीं, हिम्मत आप जाते सुबह सुबह अभी जरा फ्रेश। मेरे साथ ये है कि मैंने जरा नाश्ते की रूटीन बदल दिया तो मैं अब सोया रहता हूँ तो आप मुझे कहते हैं कि साथ अलर्ट रहे। तो मैं ना दही के साथ नाश्ता करके आया था तो 12 बजे तक मुझे होश नहीं आती, लेकिन एक फायदा भी है दिमाग ठंडा रहता है और कोडिंग में दिमाग ठंडा ही रहना चाहिए। अच्छा जी ये देखें आप अभी कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं तो आपको मैंने अभी बताया कि आप ये वाला काम रिस्पॉन्स भी तो कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ये अब यूआई पे चला जाएगा, बस इतना सा काम है। ये देखें इधर आए, अब एक दफा सर्वर को दोबारा किल करना पड़ेगा, इसको भी सेंड कर दें। अच्छा इसमें बार बार जो सर्वर को किल कर रहे हैं इसका भी कोई हल ढूंढते हैं, यूजर पेज और इसको कह दें होम पेज, होम पेज कंट्रोल एस इसको बंद करें सी एल एस एन नोड इंडेक्स डॉट देयर हो गया स्टार्ट। इधर आए वो देखें खुद ही आ गया ये यूजर पेज पे यूजर आ गया और इधर जाके अगर हिट करेंगे तो होम पेज आ गया, यूआई भी आ गया। और हमने इधर थोड़ी दिखाना है, ये वाली एपी बना के हम फ्रंट एंड डेवलपर को दे देंगे, ये उसकी टेंशन है, वो उधर जाएगा रिएक्ट में फैच एपीआई का मेथड लगाएगा डॉट देन और रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है जेसन में, नीचे मैप लगा देगा शो करा देगा। ये हमने यूआई नहीं शो कराना, ये हमारी टेंशन नहीं होती। हमारा काम है अगर आप लाइव में बैकएंड डेवलपर है आपने ये वाली एपीआई लिख के दे देनी है, हाँ आपने ये वाली एपीआई लिख के दे देनी है। हाँ इसको अब देखें आपको कैसे पता चलेगा, आपके पास क्लाइंट साइड तो है ही कोई नहीं, रिएक्ट की तो ऐप है ही नहीं, आप है बैकएंड डेवलपर, तो बैकएंड डेवलपर होने के नाते आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एपीआई ठीक लिखी है कि नहीं। हो सकता है आपकी एपीआई में मसला हो और कल को सॉफ्टवेयर हाउस में लड़ाई हो गई, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर रिसेप्शन के सामने लड़ रहे हैं, बिजनेस मैनेजर आ जाए जी वो कहे जनाब इसने एपीआई नहीं सही लिखी, वो बैक एंड वाला कह रहा हो जनाब इसने फ्रंट एंड पे फैच एपीआई सही नहीं लिखी। अब इस लड़ाई को सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम तो ये है ना बीइंग ए फ्रंट बैक एंड डेवलपर, इसके लिए एपीआई को डीबगिंग करने के लिए एक टूल उन्होंने बनाया पोस्टमैन, ये आपने आज डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना पोस्टमैन। जिनके पास आरडी है वो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो आज आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना। इधर गया अभी डाउनलोडिंग स्कीम, इतना खपने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट डाउनलोड करा दें। ये देखें जी इसको जब आप क्लिक करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल ही सिंपल है, डाउनलोड करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी खत्म। जब आप इसको चलाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा फर्स्ट टाइम ना हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो बाद में ना यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि आप पहले साइन अप करें, तो वो स्टूडेंट 2 मिनट भी वेट नहीं करते लैपटॉप उठा के मेरे पास ले आते हैं, सर ये तो अकाउंट मांग रहा है। उसके नीचे ही ना जहाँ पे फॉर्म बना होता है ना उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है डिम वर्ड में स्किप दिस स्टेप, वो स्किप कर दें आप ना अकाउंट बनाए। अगर आपकी फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है तो ये आपको हो सकता है, देखें ये तो टीचर्स एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कितनी एपीआई खुली है, आपके पास कुछ इस तरह का फ्रेश इंटरफेस आएगा इस तरह का ये वाला, जब आप स्किप करेंगे आपके पास और कोई चीज नहीं आएगी। और यहाँ पे अब आप करेंगे क्या, देखें ये वाला मैंने पेज उठाया लेकिन ये तो गेट है, चले गेट कर लेते हैं। देखें यहाँ पे सारे मेथड आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ये देखें गेट पोस्ट पुट पैड डिलीट, मैं क्या कर रहा हूँ गेट किस यूआरएल से, यूजर वाले यूआरएल से,
इसको एक दफा बार बार किल करना पड़ता है। अभी इसका भी मसला हल कर लेते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जे एस हो गया सर्वर स्टार्ट, और यहाँ से रिक्वेस्ट फिट कर रहे हैं सेंड। ये देखो अगर आपका ये वाला रिजल्ट ठीक आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, तो इसका मतलब है आपकी एपीआई ठीक है, और प्लस यहाँ पे स्टेटस होता है 200। ये स्टेटस जरा एक दो दिन बाद आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप के स्टेटस में और इसमें क्या फर्क है। काफी ज्यादा फर्क है। इसके भी स्टेटस होते हैं, एक तो आप स्टेटस उधर लगाते हैं टिकटॉक और व्हाट्सएप पे, नोड में, यानी आप वो कहते हैं कि आप स्टेटस की दुनिया से बाहर ना जाए, चाहे आप इधर लगाएं स्टेटस जरूर लगाएं। इसके कोड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 200 मीन्स ये देखें सारा लिखा होता है ओके। साबर हुसैन या शबीर हुसैन और आजाद खान ये लापता है। मैं जब से आया वो नहीं आए। वो ऑलरेडी मेरे पास है ही नहीं, तो वो वैसे आप उधर से व्हाट्सएप से कर दे ऑटोमेटिक सारी उनकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। अच्छा जी ठीक हो गया। ले देखें जी ये एपीआई, अगर आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा पहला तो मसला ये सॉल्व करें ना, ये जो सर्वर बार बार हम छोटी सी भी चीज चेंज करते हैं तो आपको सर्वर को किल करके रिस्टार्ट करना पड़ता है। इससे तो जान छुड़ाने के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी इसकी दे दी है नोड मोन। यहाँ पे जाएं आप, यहाँ पे लिख के भी देख लें नोड मोन npm, इसको जरा पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसको पहले तो इंस्टॉल करने का तरीका ये लिखा हुआ है npm i नोड मोन, ये लाइन पढ़ें आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये लें ये वाली सर्वर नहीं आ रहा, ओए आ रहा होगा यार नीचे देखो, इधर लेके आओ ध्यान से देखो आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था उन्होंने जानबूझ के डिम लिखा होता है, उन्होंने जानबूझ के इतना छोटा लिखा होता है कि यूजर अकाउंट बनाए। अच्छा जी ये देखे पढ़े जरा ये दो लाइनें। नोड मोन इज अ टूल दैट हेल्प्स डेवलप नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली रीस्टार्टिंग द नोड एप्लीकेशन व्हेन फाइल चेंजेस इन द डायरेक्टरी आर डिटेक्टेड। कोई भी चीज आप चेंज करते हैं तो वो पहले तो देखेगा कि चीज चेंज हुई है, अगर हुई है तो वो सर्वर को आज खुद बार बार खुद ही रिस्टार्ट करेगा, हमारी टेंशन ही कोई नहीं है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड भी चेंज करता हूँ ना यूजर पेज, और यहाँ पे डॉट डॉट लगाए, अब ये खत्म हो गया, अब फिर मुझे सर्वर को किल करना पड़ेगा, फिर इसको जाके नोड इंडेक्स डॉट जेएस करना पड़ेगा, फिर अगर मैं ऊपर कोई चीज चेंज करता हूँ फिर सर्वर को दोबारा स्टार्ट करूंगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने लाइब्रेरी दी है npm i नोड मोन, इसको इंस्टॉल कर लें। जी मिस जी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ सुबह से आके, 12 में फ्री हूँगा फिर इस पे देख पाऊंगा। अगर मैं उसको कर दूं शॉपिफाई के साथ मर्ज कर दूं लूप में बना दूं इंडिपेंडेंट रखनी, नहीं मैं बताऊंगा ही ऐसे ना, मैं आपको दो फ्लेवर दूंगा और बहुत चलेंगे ये कोर्स, मतलब ये मेरी मेरे शॉपी से चलेंगे। आजकल लाहौर में लोग पागल हुए शॉपिफाई स्टोर वर्डप्रेस, शॉपिफाई स्टोर वर्डप्रेस, ठीक है मैं लूप में बना देता हूँ 2 मंथ्स का और 50,000 चार्ज करा देता हूँ, अलग भी बना दूंगा आप शॉपिफाई भी वैसे क्रिएट करवा दें। अच्छा जी देखें यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें, और ये वाली कौन सी लाइब्रेरी है npm i नोड मोन, ये ऐसे कर लेते हैं। चलें नोड मोन इंस्टॉल होगी, इसको चेक कर लें पैकेज डॉट जेसन में आके, ये होगी। अच्छा जी जो पैकेज डॉट जेसन में आ ही गए हैं तो इधर आते आते हम एक काम करते ही जाएं, ये देखें स्क्रिप्ट का एक टैग होता है ये वाला, इसको तो पहले बेशक आप उड़ा ही दें, इसकी जगह पे स्क्रिप्ट के अंदर आप एक अपना टैग बनाएं स्टार्ट, किससे करना है
यहाँ पे कॉलन के अंदर आप लिखें नोड मोड और फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जेएस। ये आपकी अगर सर्वर है तो सर्वर रखना है, ऐप है तो ऐप रखना है। अब इसका फायदा क्या हुआ, बहुत बेताशा फायदा है। अब आप इसको वैसे ही रन कर सकते हैं जैसे आप रिएक्ट की ऐप रन करते हैं, क्योंकि हमारा हाथ उस पर फिट होता है। हम इधर भी आए चाहे हम npm स्टार्ट लिखें, वो खुद ही स्टार्ट हो जाए, चाहे वो बैक एंड हो चाहे फ्रंट एंड हो। अब देखें, अब जाके अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं टर्मिनल की बजाय, इसको लहदा टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं, ये बार बार पहले ही जगह काम है, इधर खोल लेते हैं clsnpm स्टार्ट। सर्वर स्टार्ट। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूंगा स्लैश कंट्रोल एस करूंगा तो वो देखें वो खुद ही रिस्टार्ट हो जाए। जैसे कंट्रोल एस करेंगे सर्वर रिस्टार्ट होगा और खुद ही चेंजेस डिटेक्ट करता है और चेंजेस आपको यहाँ पे वो खुद ही सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है। अब हमारी ये झड़ी खत्म, अब हम कोई भी परेशानी नहीं है, अब हम जो मर्जी काम करें लें जी। ये एक काम इधर भी हमने सॉल्व कर लिया, सर्वर वाला भी और राउट भी टेस्ट कर लिए, चलें वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे ना कल को हो सकता है आपकी डेटाबेस भी हमें साथ कनेक्ट करनी पड़े, तो जितनी जितनी चीजें हैं साथ साथ ऐड करते जाएंगे। ये चीजें जो है ना वो चूंकि वाइट होती हैं, मतलब मैं इसको अच्छा नहीं समझता, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फैंसी बना देता हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज उससे कोडिंग पे फर्क नहीं पड़ता। इसको कलर दे देता हूँ मैं, सर्वर का और कलर रख देता हूँ, डेटाबेस का और कलर रख देता हूँ, मुझे दूर से पता चल जाता है कि जनाब सर्वर स्टार्ट हो चुका है, डेटाबेस स्टार्ट हो गई। मिसाल के तौर पे उसकी एक अपनी लाइब्रेरी है कलर्स की, यहाँ पे अगर आप आए नोड मोन लिख दें यहाँ पे कलर्स, कलर्स npm, ये एडिशनल चीज है, करना चाहें तो ठीक है। वैसे ऑब्वियसली मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने कोडिंग में जरा नीट एंड क्लीन चलें चीजों को, ये देखिए इसको कॉपी करें वो ये कि नहीं पता नहीं, इसको किल कर दें एक दफा, नहीं हुई तो कर लेते हैं npm i colors, चाहे इधर टर्मिनल में कर लें उधर कर लें एक ही बात है। ये कलर्स आ गई, इसको cls करके एक दफा यहाँ पे, अब इसको भी जो चीज इंस्टॉल करनी है उसको रिक्वायर करना है, ये ले कलर्स इज इक्वल टू रिक्वायर कलर, और यहाँ पे जाके मैं सर्वर को कहता हूँ इसको स्टार्ट करना है आपने बैटिक्स फॉर्म में जो पढ़े हैं आपने ईयर सिक्स में, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट bg मैजेंटा कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड, ये उसके अंदर ही आपको सारे कलर मिल जाते हैं। डॉट जैसे bg करेंगे ना, ये देखें बेताशा कलर मिल जाएंगे आपको, डॉट bg, ये देखें bg ब्लैक ब्लू सियान ग्रीन मैजेंटा रेड व्हाइट येलो जो मर्जी कर लें। इसको फिलहाल अभी रिमूव कर दें और यहाँ पे आ जाएं। अब इसको अगर स्टार्ट करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वाकई हमने कोई एक अच्छा काम किया। ये लो ये लो, अब जरा देखे ना, अब जरा आपको पता चल रहा है कि वाकई सर्वर स्टार्ट हो गया, और कल को डैब बैकएंड का जब डेटाबेस का होगा उसको भी हमको ब्लू या ग्रीन दे देंगे, अदरवाइज चूंकि टेस्ट होता है वाइट, आपकी मल्टीपल चीजें एक ही वक्त कनेक्ट हो रही होती हैं तो वो बंदे को फिर ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि यार डेटाबेस कहाँ कनेक्ट हुआ है, वो ढूंढना पड़ता है उस चीज को। मतलब मैं तो ऐसे हैंडल करता हूँ, करना चाहे तो कर लें, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा जी ये भी चीज हमने कर ली, एक मैंने आपको तरीका बताया था। अच्छा एक देखें, ये जो आपकी पोर्ट इधर पड़ी है आप किसी वेरिएबल में भी पोर्ट रख सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे जाके अगर कह दूँ पोर्ट 4000 ये देख, और ये वाला वेरिएबल अगर इधर पास कर दूँ ये लिख, और आप इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं, आप इज रनिंग ऑन इतने पोर्ट, कौन से डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट पोर्ट और यहाँ पे लिखकर पोर्ट, अब वो डायनेमिक वैल्यू उठाएगा, ये तो आपको पता ही है ना, ये ES6 का मेथड है बैकटिक्स। अब ये वाली पोर्ट इधर भी आएगी और इधर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये देखिए उसको कंट्रोल एस करें, ये एक दफा हमें चेंजेस किए हैं तो एक दफा इसको यार क्या कर रहे हैं, और देखें वो पोर्ट, और अगर आप यहाँ पे 5000 कर दें
तो वो आपके देखें वो डायनेमिक उठा रहा है। अच्छा एक तो देखें पोर जब यहां पे पड़ी है, पहले दूसरा तरीका देख लें। एक तो मैंने आपको बता दिया कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, अगर आपको ये वाला तरीका लगता है मुश्किल, मतलब आप कहते हैं ये रिक्वायर रिक्वायर पता नहीं क्या है सर, हम तो इम्पोर्ट इम्पोर्ट पढ़ के आए हैं वो जरा काम ज्यादा है, उसके लिए पहले आपको यहाँ पे जाके अपने पैकेज के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। पैकेज डॉट जेएसओन में इसकी एक टाइप देनी पड़ेगी मॉड्यूल, पैकेज डॉट जेएसओन में। अब आपके पास ये फैसिलिटी आ गई है कि आप इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और इसकी जगह भी यही वाला काम कर सकते हैं इम्पोर्ट कलर्स फ्रॉम कलर। ये अब आपका कोड फिर ठीक हो गया, अब आप जाके इसको चलाएं तो आपका कोड फिर चल जाएगा। आपको ये वाला तरीका पसंद है इसे कर लें, इसका आगे भी फायदा होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कल को आपको चीजें एक्सपोर्ट भी करनी पड़ेंगी, अगर वैसे ES5 में करेंगे तो उसको एक्सपोर्ट करने का तरीका ये होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, मैंने अगर प्रोडक्ट्स बनाई है तो ये तरीका है, ये ES5 का है। इसकी जगह अगर सिंपल मैंने करना हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट, देखना उसके साथ फिर एक्सपोर्ट भी उसी का होगा और इंपोर्ट भी उसी का होगा। ये अब आपकी चॉइस है, मैं दो तरीके से एक एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे ना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया है, MVC पैटर्न्स पे फोल्डर बनते हैं ना उस झंझट में, पहले हम सीधा सीधा एक दफा डेटाबेस में डाटा स्टोर करेंगे, उसको निकालेंगे, उसको एडिट करेंगे डिलीट करेंगे, साथ साथ जब आपको बेसिक चीजों की समझ लग जाएगी आपका हाथ फिट हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जी इसको थोड़ा सा जरा चीजों को एक लेवल आगे, पहले तो यहाँ का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी मसला है तो पूछ सकते हैं। सर्वर बनाया अभी और ये तो रूट ही अभी बनाया है, तो जस्ट हमने टेस्टिंग के लिए ये एक वेरिएबल है, इसको आप कह सकते हैं रेस्ट ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि जितनी भी रेस्टफुल API बनती है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बनती है, इसलिए उसको रेस्टफुल API कह देते हैं, ये एक रेस्ट ऑब्जेक्ट बन गया। लें जी अच्छा नॉर्मल जो होता है ना, देखें जो आप कोडिंग लिखते हैं जब आप सर्वर बनाएंगे तो सर्वर बनाने के साथ आपने खाली पोर्ट नहीं लेनी होती, इसके साथ कई और चीजें भी होती हैं। मतलब हो सकता है आपने डेटाबेस कनेक्ट किया तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कोई की हो, कोई पासवर्ड हो, आपने कोई बीक्रिप्शन किया है या ऑथेंटिकेशन लगाई है उसके लिए कोई सीक्रेट की रखी हो, तो अगर तो आप डेटा ऐसे भेजेंगे ये पोर्ट तो सामने पड़ी हुई नजर आ गई तो आपके कोड का हैक होने के इम्कान ज्यादा है, आपका कोड वर्नरबिलिटी का शिकार हो सकता है। सो इसका बेटर सोल्यूशन होता है कि जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आप हाइड कर दो, आप ऐसे नहीं करते जब आप कोड भेजें ऐसे सीधा सीधा कोड लिख के नहीं भेजेंगे, इसे आप टेक्निकली तरीके से हाइड करते हैं कि आपका डाटा भी चला जाए और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी ना शेयर हो। सो इन चीजों को अगर जब आप सिक्योर बनाना चाहते हैं उसके लिए इसकी एक और आपको लाइब्रेरी मिल जाती है, जो आप यहां ना रखे कल को हो सकता है मैंने कोई सीक्रेट की बनानी हो या मैंने कल को DB की कोई URL बनानी हो या मैंने पेमेंट मेथड बनाना हो, पेमेंट URL को बनानी हो, पेमेंट की कोई की रखनी हो, ये तो फिर अभी तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैं सीधा सीधा इधर लिखता जाऊंगा, जब मैं कोड भेजूंगा होस्टिंग पे तो होस्टिंग प्रोवाइडर के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा, वो जब आपकी फाइल अपलोड होगी वो रीड कर लेगा, हो सकता है वो आपकी वेबसाइट या आपका पेमेंट मेथड ब्रेक करते या आपकी उस सिक्योरिटी की को ब्रेक करके आपकी वेबसाइट को ना काबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। सो इसका बेटर हल है कि आप इनको सिक्योर कर दें, उसके लिए उन्होंने एक नई लाइब्रेरी दी है .env, इसको अभी इधर ही किल रहने दें, इसको अभी देखते हैं .env npm।
लें। चलो भाई, डॉट ई एन वी इज जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल दैट लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल फ्रॉम डॉट ई एन वी फाइल इनटू प्रोसेस डॉट ई एन वी स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इन द एनवायरनमेंट सेपरेट फ्रॉम कोड बेस्ड। 12 फैक्टर ऐप मेथडोलॉजी, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होती, आप ही देखें ये की भी अगर कोई सीक्रेट रखनी है तो वो कहते हैं इस फाइल में रखें। ले जी, इसको पहले तो आप इंस्टॉल करें, तरीका देखें। इम्पोर्ट एन पी एम आई डॉट ई एन, इधर इंस्टॉल कर लें एन पी एम आई डॉट सी एन डी, ये लें। हो गई। तो अब जो चीज आपने इंस्टॉल किया उसको पहले इंपोर्ट करें, यहाँ पे इंपोर्ट डॉट ई एन वी फ्रॉम डॉट ई एन, और डॉट ई एन वी को आपने कॉन्फिगर भी करना होता है, डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग। अब ये इनिशियलाइज भी हो चुकी है, एक फंक्शन की तरह ट्रीट होती है। इंपोर्ट किया, कॉन्फिग कर लिया, अब इसकी फाइल भी आपने इसी नाम से बनानी है, डॉट ई एन वी, फुल स्टॉप लगा के या डॉट लगा के आपने स्टार्ट ही नाम उसका डॉट ई एन वी से करना है, और ये वाली पोर्ट उठा के यहाँ पे फेंकते हैं आप, ये वाले वो हमने वैसे ही गायब कर दी, इधर से किधर गई है, उड़ा दिया, इधर पेस्ट कर दें, नहीं है तो हम लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 6001 ताकि आपको पता चले। कल को आपकी जो सीक्रेट की आएगी वो भी आप यहाँ पे रख देंगे, ये लें। जितना भी आपका सेंसिटिव डाटा है ना वो इस फाइल में हम रखते जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप कोड शेयर करते हैं ना, जब बिल्ड बनाते हैं कोड की फाइनल, उसमें ये वाली फाइल नहीं जाती, तो आपका जो सेंसिटिव डाटा वो आपके पास सिक्योर रहता है, इसलिए फाइल बनाई जाती है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, इसी को ये इस कैपिटल है, एक मैं स्मॉल वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे आके कॉन्स्ट स्मॉल नाम से पोर्ट बना लेता हूँ, उसने लिखा हुआ इसको टारगेट करना है तो प्रोसेस डॉट ई एन वी, ये देखें उसने बताया हुआ है, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट उस फाइल का नाम, चाहे स्मॉल स्पेलिंग है तो स्मॉल, लार्ज है तो लार्ज। अब ये फाइल मैंने एक्सेस कर ली, ओके। अगर फर्ज करें उसको ये पोर्ट ही ना मिले तो मैं कहता हूं उसको एक नई पोर्ट पे चला दो, 6001 पे चला दो। ये आप ऑप्शनल देते हैं, क्योंकि जब आपका कोड जाता है ना तो हो सकता है जिस होस्टिंग पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं चीजें वहां पे उसको आईपी एड्रेस ही ना मिले रन टाइम पे, तो आप रन टाइम पे आपकी अदरवाइज वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। ये और का साइन आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में, कि अगर तो ये वाली पहले तो फाइल उठाओ, अगर ये वाला आईपी मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज एक हार्ड कोडेड आईपी एड्रेस को चला दो। तो अब जाके इधर मेरा पोर्ट ही रहेगा, अब यहाँ पे पीआरटी कर लेता ताकि आपको फर्क पता चले कि उस वेरिएबल का और इसमें फर्क क्या है। ये तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और ये वाला डाटा जो है ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए डॉट पोर्ट, इसी को प्रिंट कर दिया। अब जाके पहले चेक करते हैं कि हुआ क्या है अब तक, एन पी एम स्टार्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक आप और चीज टेस्ट कर लें, डेवलपमेंट मोड लिख दें, DEVE मोड लिख दें इज इक्वल टू डेवलपमेंट ऐप मोड कर दें, और इसको भी अगर टारगेट करना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड इन डॉलर साइन, कैसे करेंगे, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट ऐप मोड, मैंने एक अलहदा उसी के अंदर ही आपको करके दिखा दिया ताकि आपको जरा पता चले, इसको कर लें एन पी एम स्टार्ट इन डेवलपमेंट मोड, बेसिकली होना चाहिए वर्ड साथ। अच्छा ये क्या होता है डेवलपमेंट मोड, प्रोडक्शन मोड, ये वैसे अभी ना भी इस पे फोकस करें लेकिन फिलहाल आपको इतना आइडिया होना चाहिए, जब आपकी एप्लीकेशन बनती है उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, डेवलपमेंट मोड और प्रोडक्शन मोड। डेवलपमेंट मोड का ये फायदा होता है कि जब आपने एक ही एप्लीकेशन पे 10-12 डेवलपर्स ने काम करना है
हम उनको एक्सेस देते हैं कि वो सिर्फ डेवलपमेंट फेज के अंदर रह के ही चेंजेस कर सकें। कितनी चेंजेस कर सकें वो हम ऑथोराइजेशन के लिए अलहदा JWT की खुद कोडिंग लिखेंगे कि वो सिर्फ प्रोडक्ट को ऐड ही कर सकता है, वो डिलीट ही कर सकता है, उसको अलहदा अलहदा ऑथोराइजेशन देंगे। लेकिन ये ऑथोराइजेशन कब तक काम आएगी? जब तक आप डेवलपमेंट में, जब एप्लीकेशन प्रोडक्शन लेवल पे चली गई है ना, इसका मतलब वो बन चुकी है, उसकी टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, उसकी डीबगिंग क्लियर हो चुकी है, अब सिर्फ आपने उसको डिप्लॉय करना है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मोड। ये काम कब तक आता है? ये मोड इसलिए बनाया है कि मैं कल को इसको टारगेट करके देखूंगा कि एप्लीकेशन इस वक्त किस मोड में है। अगर डेवलपमेंट मोड में है तो डेवलपर चेंज कर सकते हैं। जब मेरी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाएगी, मैं डेवलपमेंट मोड को चेंज कर दूंगा प्रोडक्शन में। कोडिंग के थ्रू हम इजीली एक इफ लगा के, जब मैं काम खत्म करके डेवलपमेंट को टर्नरी ऑपरेटर से मैं प्रोडक्शन मॉडल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो जब प्रोडक्शन में चलेगी, जिन जिन लोगों को ऑथराइजेशन दिया है वो कर। देखिए, जब एप्लीकेशन ही कंप्लीट हो गई है तो आप उसके अंदर आप दोबारा छेड़खानी नहीं कर सकते। अब देखें, आपकी एप्लीकेशन सिक्योर हो गई है, अब आपका IP एड्रेस सिक्योर हो गया है, अब जो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो अलग फाइल में चली गई हैं। हमने राउट्स बना लिए, फिलहाल बेसिक राउट अभी बनाए हैं, एक हमने पोर्ट बना ली, उसको साथ साथ हमने कन्फिगर कर लिया, और इसके अलावा हमने नोड मोन को कर लिया ताकि सर्वर को बार बार किल करें, करने वाली टेंशन खत्म हो, और आप लोग बैठे हैं तो इतनी देर आज सर्वर बनाएं, कल आपने एक अपने तौर पे एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करके आनी है डेटाबेस, यहाँ पे लिखे MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड, ये कल आपने इंस्टॉल करके आनी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वर्जन कौन सा करना है, अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आते हैं। उधर है ही नहीं है, किधर जाए बंदा, कम्युनिटी एडिशन। ये देखें, ये MSI आपने फाइल डाउनलोड करनी है, ये वाली MSI Windows 64 है और ये version 7 है, जो भी लेटेस्ट है वो कर लें, डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, MongoDB, ये MongoDB कंपस। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये एक डेस्कटॉप ऐप है, GUI, हमें जरा ऐप के अंदर देखने में काम अच्छा लगेगा कि डाटा हमारा आ रहा है जा रहा है, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी ये देखें, कई लोगों ने काम किया हुआ है, देखें इनके अंदर डाटा रखे हुए हैं, लेकिन इस तरह डेटाबेस में डाटा भेजना, ये डेस्कटॉप ऐप है, सो हमें डाटा को देखने में और डाटा के साथ मैनिपुलेशन करने में आसानी होती है। ना भी करें, एक तो हम ये GUI ऐप से करेंगे और एक आध दिन हम MongoDB Atlas पे काम कर लेंगे, ये लाइव होता है, एक हम डेटाबेस लाइव बनाएंगे जो क्लाउड बेस होगा, ताकि हो सकता है आपने प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट को शेयर करना हो तो आप लोकल DB तो नहीं ना भेज सकते GUI, हम क्लाउड बेस भी बना लेंगे, दोनों के तरीकाकार में कोई फर्क नहीं होगा, उसकी कनेक्टिविटी में हल्का फुल्का चेंज आएगा, बस थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा, वो मैं आपको क्लाउड बेस भी करवा दूंगा और GUI बेस भी करवा दूंगा। एक दो दिन हम GUI बेस कर लेंगे, एक दो दिन छोड़ के हम Atlas कर लेंगे, दोनों के अंदर कमांड सेम है, डाटा स्टोर करने का तरीका सेम है, निकालने का तरीका सेम है, डिलीट करने का तरीका सेम है, फर्क यह है कि ये लोकल है वो लाइव है, बस इतना फर्क है। और अब आपको पता है सारी दुनिया क्लाउड की तरफ जा रही है, सो इसलिए मैं आपको दोनों करवा दूंगा, लोकल का भी इसलिए करवाऊंगा क्योंकि आपने सारी उम्र लोकल पे नहीं काम, क्लाउड पे नहीं करना, अगर आपका क्लाउड ही ना चाह रहा हो, नेट ही ना चाह रहा हो, एटलीस्ट आप अपने लोकल पे रह के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं ना, दोनों ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए, ये इंस्टॉल कर लेना है। और अभी के लिए आप लोग एक नेकी करें, सर्वर बनाएं, यहाँ तक जितना मैंने काम दिया, लैपटॉप है हो जाए शुरू, ये मैं कोड शेयर कर देता हूँ, समझ के खुद बनाना है, क्योंकि कल जब मैंने डेटाबेस कनेक्ट करवानी है ना, ये मैं विदाउट नोड मॉड्यूल भेजूंगा, ये आपको पता ही है, NPM I करेंगे तो वो आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें
एट क्रिएट सर्वर, खुद करें। कल मैंने डेटाबेस बनवानी है और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना है। अगर आपका सर्वर ही ठीक ना होगा तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? और कल हम कोई ना कोई डेटा स्टोर करेंगे रियल में। मैं चाहता हूँ कि कल की जो क्लास है आप ये बेसिक चीज़ें आपकी एटलीस्ट कंप्लीट हो, सर्वर बनाओ, हम मोंगो डीबी में कल डेटाबेस भेज सकें। कम से कम ये वाला काम करेंगे तो आप कल वाला काम कर सकेंगे। हाँ जी, एक दूसरे को कोशिश करें कि सर्वर बनवाएं, हेल्प करें, कोई मसला आता है तो मुझे बताएं। जी ऑनलाइन आप भी बनाएं ये वाले काम जितना मैंने करवाया ना, बल्कि मोंगो डीबी भी इंस्टॉल कर लें इधर बैठे लगते हाथ, ये वाला काम भी करते ही जाएं। चार हजार की जगह क्या करना है तो यार इसको बदल दें, ये ले मैं 4500 कर देता, कोई टेंशन नहीं। पहले वो ये चलाएगा, अगर उसको वो ना मिला बेहतर होता है कि आप दोनों को सेम रखें। और ये वाला कोड में आपको ऐसे लग रहा है कि दोनों सेम रख रहा हूँ, जब ये वाला कोड आपने भेजना होता है ना, ये वाला तो कोड जाता ही नहीं साथ। होस्टिंग की अपनी एक आपको फाइल मिली थी .env के नाम से, उसके अंदर उनका आईपी एड्रेस पड़ा होता है। मिसाल आपने GoDaddy से ली, उसके अंदर भी आपको .env की फाइल मिलेगी, उसके अंदर यहाँ पे जो पोर्ट है ना वो उनकी अपनी लिखी होगी, उनकी फर्ज करें 7000 है, ये आपका कोड से ऑटोमेटिक कनेक्ट होती है। ये मैंने ऑप्शनल के तौर पे दोनों को सेम रखा हुआ है, तो या तो आप GoDaddy, ये GoDaddy की पोर्ट उठाएगा ये वाला, क्योंकि उनकी .env फाइल से कनेक्ट करनी, अगर ना मिले उसको तो फिर मेरे वाला आईपी एड्रेस उठा, इसलिए मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। ले जी, इसको मैं कोड भेज देता हूँ, इतना करें और MongoDB भी इंस्टॉल कर ही लेना, ऐसे वो कौन सा मुश्किल काम है। अभी सिंपल सिंपल सर्वर ही बनाया है आपने, अच्छा एक वाला कोशिश करें आप अपना हाथ ना किसी एक चीज पे फिट रखें, चाहे आप ES6 वाला मेथड अडॉप्ट कर लें या ES5 वाला कर लें। मेरी चूंकि प्रैक्टिस इतनी हो चुकी, मैं किसी भी फ्लेवर में हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं। आप फ्रीक्वेंट चेंज करेंगे ना तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। हाँ बता देना मेरा काफी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके हैं, इन दोनों का मतलब क्या है। लेकिन आप मेरी तरह एक्सपेरिमेंट ना करते रहें कि दो दिन ये काम कर लें, दो दिन वो, आप अभी उस स्टेज पे नहीं कि आप ऐसा रिस्क ले सकें। आप कोई एक तरीका अडॉप्ट कर लें जिस पे आप एटलीस्ट ये कोर्स चाहे ES5 पे कर लें चाहे 6 पे कर लें, और मुझे जो कहेंगे मैं दोनों में से उसी पे चला दूंगा। सर जिस पे कहेंगे मैं दोनों में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए दोनों एक जैसे ही है। जी ऑनलाइन आप भी बनाएं।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये कल मैंने डेटाबेस तब पढ़ानी है जब आप लोग सारे मुझे वन बाय वन स्क्रीन शेयर करके अपना काम चेक करवाएंगे। ये आपको वैसे लग रहा है कि छोटा सा काम है, जब तक सर्वर ही नहीं बना तो बाद में डेटाबेस बनाने का क्या फायदा है। सर्वर के थ्रू ही डाटा हमने भेजना है बैकएंड पे, तो सर्वर काइंडली आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल आप कहें तो 2 मिनट में सर्वर रेडी हो जाए। जी ऑनलाइन को डाउट है तैयब उस्मान और फैज रसूल, कोड और रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दिया गूगल क्लास में। कल आपके पास मोंगो डीबी और सर्वर क्रिएट हुआ होना चाहिए विद पोस्टमैन का जो टूल है वो भी कर लें। ओके जी, थैंक यू।